हाय गाइस वेलकम बैक सो बॉस डंकी का आज डे नंबर 15 कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पे ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है अपडेट होकर के आ गई है पोस्टर आ गया है इसके बारे में बात होगी आज की ऑक्यूपेंसीज बुक माय शो वेल लेट्स सी उसको हमको देखना है या नहीं देखना है वो मैं आपको बताऊंगी सब कुछ इस वीडियो में वीडियो को इंटर जरूर तो देख लेना चैनल कर लेना सब्सक्राइब ज्यादा लंबी वीडियोज नहीं है इसलिए वीडियोज को पूरा देखा करो इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर जाते हो फिर और सब्सक्राइब जरूर करना है वीडियोज को लाइक जरूर जरूर करना है ठीक है शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर से ऑक्युपेंसी से जैसे कि आप देख ही रहे हो वर्ल्ड वाइड में गाड़ी स्मूथ एंड स्टडी चल रही है डंकी की कहीं कोई रुकावट नहीं है जो एक डर रहता था कि भाई शो काउंट्स कम ना हो जाए वो नहीं हुए हैं कम थैंकफुली वो कम नहीं हुए हैं और आगे चल के इस हफ्ते भी कम नहीं होंगे क्योंकि जो नई रिलीजेस हैं वो संक्रांति पोंगल पे आएंगी अभी उसमें समय है ठीक है कल से हम टाइट चेंज होती हुई देखेंगे कल शाम से लेकिन आज क्या चल रहा है भाई आज है दिल्ली की सर्दी और वो भी कांपने वाली नहीं हड्डियां जमाने वाली सर्दी आज तो उसके कारण से क्या हमको नंबर्स में कुछ चेंज नजर आ रहा है तो ऑफ कोर्स अगर मैं आपको बताऊं नंबर्स में चेंज जो है वो आता है अगर हम बात करते हैं ऐसी फिल्मों की जैसे डंकी की, जैसी फिल्मों की क्योंकि ये है फैमिली ऑडियंस वाली फिल्में और फैमिली ऑडियंस जो है इतनी ठंड में तो और वो भी जो घर के बच्चे बुजुर्ग हैं वो बाहर नहीं निकलते और प्लस इट्स अ थर्सडे यार ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे थी ही नहीं तो क्या मेरी प्रोडिक्शन जो है तीन करोड़ की वो पूरी हो जाएगी आज आल टेल यू पहले ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं थोड़ी सी उम्मीद थी लेकिन एक ऐसी उम्मीद थी जो की मुझे पता था कि नहीं हो सकता पूरा टेन पॉइंट टू थ्री परसेंट की आज की ऑक्युपेंसी रही है ऑफ इवनिंग जैसे मैंने आपको बताया उसका बड़ा रीजन है क्लाइमेटिक चेंज और ये पिछले दो दिन से ज्यादा कड़ाके की ठंड जो है ये पड़ रही है जिसके चलते और प्लस ऑफकोर्स इट इज अ यू नो थर्सडे डे तो थर्स को हम लोग ज्यादा कुछ जंप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मैं तो आज रात की भी एक्सपेक्टेशन जो है बहुत कम लेकर चलूंगी ऑक्यूपेंसी ग्यारह परसेंट हो जाएगी ना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि वेदर कंडीशन आज बहुत ज्यादा बुरी है ठीक है सो मुझे लगता है नाइट शोज में ये गिर भी सकती है नाइन तक तो क्या मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी तीन करोड़ की वो पूरी हो रही है आई डाउट क्योंकि अभी तक वन पॉइंट नाइन करोड़ का इलेक्शन आया है और रात को मुझे ज्यादा बड़ी ऑक्यूपेंसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है जी हाँ थोड़ा तो सा शॉकिंग है लेकिन ऐसा हो जाता है ऐसा होता है और हम जब वीक डेज चल रहे हैं ना वीक डेज में हम ज्यादा बड़ी वैसे भी कोई बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर चलते हैं असली बात यह है कि वर्ल्ड वाइड में गाड़ी आराम से चल रही है और मैं आपको बताऊं ओवरसीज में ओवरसीज में ये सलार को बीट कर रही है ऑल मैं कभी ऐसे कंपेरिजन नहीं करती हूँ यहाँ पे लेकिन एक एक, एक ऐसी चीज है जो जिसमें आप कह सकते हो कि डंकी आगे निकली हुई है ठीक है सो ओवरसीज नंबर में डंकी इज डूइंग इट्स बेस्टेस्ट बेस्ट और इंडिया में मुझे लगता है कि अभी आने तो कल वीकेंड जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा कल शाम से मुझे उम्मीद है कि ये जो टाइड है जो बहुत ज्यादा लो टाइड चल रही है इसमें थोड़ा सा सुधार आए थोड़ा सा चेंज हो और अगर कल भी लेकिन अगर वेदर कंडीशन नहीं सुधरी ना अगर कल भी नहीं सुधरी तो हम कल भी ज्यादा उम्मीद नहीं लगा पाएंगे मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कल भी हम डंकी की ज्यादा उम्मीद नहीं लगा पाएंगे बट नेवर माइंड फिर आ रहा है सैटरडे संडे तब तो हम कुछ अच्छा सोच सकें डंकी के बारे में तब तो चाहे कुछ भी वेदर कंडीशन हो सैटरडे संडे को अच्छा जंप लेती है फिल्में ठीक है बट तब तक के लिए जितने भी फैंस हैं निराश ना हो अपना हौसला बांध करके रखें क्योंकि अभी तो लड़ाई बहुत बाकी है ये तो सिर्फ अंगड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है और शाहरुख खान की फिल्म है ऐसे कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है ठीक है तो आगे चल के देखते हैं क्या कुछ होता है डंकी का आगे कलेक्शन कैसा रहता है अभी इस कलेक्शन को सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है लेकिन कॉमेंट सेक्शन बाकी डोट शेयर इट एंड डोट टू माई चैनल जस्ट फर्स्ट फॉर एक्शन